नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। और दिन की सबसे बड़ी बहस का वक्त हो चला है महापंचायत का। लंबे संघर्ष के बाद राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ और रामनगरी में मंदिर की आधारशिला रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी राजनीतिक रंग में रंग दिया है। कोई कह रहा है वहां मस्जिद है और रहेगी, कोई कह रहा है कि ये तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। यानी दोनों ओर से एक दूसरे को चढ़ाने जैसे बयान दिए जा रहे हैं। क्या इन हालात में अयोध्या को चैन मिल पाएगा, इसी पर आज चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत सर आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, रिपोर्ट देखिए। सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला के बाद लगा था कि अब मंदिर मस्जिद के विवाद का कोई आधार नहीं बचा। जो ना कराए वही अच्छा। आधारशिला के बाद भी सियासत का सिलसिला बिना ब्रेक के जारी है। ओवैसी की माने तो मरते दम तक जारी रहेगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, पार्टी जब तक इंशाल्लाह अल्लाह सुबह खयामत तक उसको आबाद और शादाब रखेगा, हम ये बात बोलते रहेंगे। हम अपनी नस्लों को सिखाएंगे कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, उस जगह पर बाबरी मस्जिद है। जिस वन से मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद हम कहते रहेंगे। अभी हैदराबाद वाले ओएसी का झंडा झुका भी नहीं था कि संबल वाले समाजवादी पार्टी के सांसद सकीबुर रहमान ने अयोध्या पर अपने अरमानों को हवा में लहरा दिया। बर्क साहब का तर्क है कि जहां राम मंदिर है वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। वहीं जफरयाब जिलानी के जज्बातों ने भी जोर मारा है। हकीकत तो ये है कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से तो वो जमीन, वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये संवैधानिक पद हैं जो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, पूरे देश के ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं जिनको यकीनन उस मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनाने पर आपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो बोल नहीं रहे हैं। अब बयानों की आग में विवाद का घी डालने वाले भी कम नहीं है। उधर वालों के अरमान अभी बाकी हैं, इधर वाले कह रहे हैं कि ये तो अभी झांकी है। अयोध्या तो अभी ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हिंदू महासभा और सभी पक्षकारों ने मिल के आज अयोध्या जी रामलला के केस को जीता और जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पर निर्णय दिया, जिस पर आज पूरे विश्व में खुशी का लहर है। अब काशी और मथुरा के लिए हिंदू महासभा भविष्य में जल्दी रणनीति बनाएगी, उसके लिए संवैधानिक और कानूनी लड़ाई लड़ेगी। बहरहाल देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के बाद लगा था कि अयोध्या का विवादित अध्याय अब बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब आधारशिला के बाद देश ये एहसास कर रहा था कि अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा कहीं पीछे छूट जाएगा, लेकिन यहाँ तो धर्म गुरुओं से लेकर राजनेताओं तक विवाद का नया नया रास्ता खोजा जा रहा है। सवाल ये है कि आधारशिला के बाद भी सियासत का सिलसिला क्यों, आखिर कब थमेगा ये बवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक लंबे दौर के बाद अयोध्या में राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई। संघर्ष लंबा था, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद ऐसा लग रहा है, आधारशिला पड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सुकून मिल रहा। लेकिन अब टीवी पर ये डिबेट्स नहीं होंगी, मंदिर मस्जिद नहीं होगा ऐसा भी लगा। लेकिन अभी आधारशिला रखे जाने का उत्सव खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर कुछ सियासी सुरमाओं ने मस्जिद मस्जिद चिल्लाना शुरू कर दिया और एक बार फिर बहस शुरू हो गई, जो बहस जो 80 और 90 के दशक में हुआ करती थी।
आज एक बार फिर से चर्चा इसी पर। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी, दीपक मिश्रा जी प्रसपा लोहिया हमारे साथ हैं, आमिर साबरी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, स्वामी चक्रवाणी महाराज अध्यक्ष हिंदू महासभा हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। चर्चा की शुरुआत वो करेंगे। अमिताभ सर, लगा तो था कि शांति हो जाएगी, अब हम लोग भी मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे, लेकिन लगता नहीं है ये लोग मानने वाले हैं। नहीं, कतई नहीं लगता भाई। ये वही सब लोग हैं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत से निर्णय आने के बाद अटारी पर चढ़कर कहा था कि जी हम लोग तो कानून को मानने वाले हैं, जो कह दिया कानून ने वो मंजूर है, बात खत्म हुई। उस फैसले को आए कितना वक्त बीता, अभी 4-5 महीने। उस फैसले के अनुपालन में राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर का शिला पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि जो जमीन उसके पोजीशन में है उसके लिए एक ट्रस्ट बनाए, उस ट्रस्ट को जमीन हैंडओवर करे ताकि मंदिर का काम आगे बढ़े। और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था इन लियो ऑफ बाबरी मॉस्क, इतनी दूर से ज्यादा दूरी पर जन्मभूमि से मुस्लिम पक्षकारों को इतनी से अधिक, एक सीमा भी उसने बताई थी कि इतने से अधिक जमीन सरकार दे। दोनों काम उसके आदेश के अनुपालन में किए सरकारों ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां रामलला का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, मंदिर था पहले, तब उसका अर्थ तो यही था ना, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने किस लेगा कि ट्रस्ट बनाए, सरकार जमीन ट्रांसफर करे ताकि मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो, सरकार उसमें सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहे। इसीलिए कहा ना जी। और इसीलिए यह कहा कि मस्जिद को इतने से ज्यादा दूरी पर रखा जाए ताकि भविष्य में तनाव ना पैदा हो। तो आज जब भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन को 24 घंटे नहीं हुए, और फिर वही स्वर जो मैं 85 के आसपास से सुन रहा था, 90 के दशक में सुन रहा था, वही स्वर देख रहे हूं। तब भी यही कहा जाता था कि जो मस्जिद है वो मस्जिद है, हमेशा रहेगी। आज भी वही बात है। अभी तक लड़ाई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, हिंदू परिषद, भाजपा और मुस्लिम संगठनों के बीच में, मान लीजिए। लेकिन तब आप एक दूसरे का मान मर्दन कर रहे थे, वहां तक चलो कम एतराज था। अब तो सुप्रीम कोर्ट को लपेट लिया। आज दोपहर में इसी मंच पर मैं शफीकुर रहमान बर्क से बात कर रहा था, उन्होंने एक ही लाठी से सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को हाँक दिया। बोले जी कोर्ट भी मिला हुआ है, सरकार के दबाव में फैसले देता है, लीजिए कर लो बात। आपके मन का फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, और मन का ना आए तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी खरी खोटी सुना देंगे। ये तमाशा नहीं ठीक है। अगर यही करना था तो सुप्रीम कोर्ट में लड़े क्यों, फिर क्यों लड़े? अगर उसकी बात का मान नहीं रखना था, उसकी भी अवमानना करनी थी, तो क्यों लड़े? और क्यों सब लोग इस बात के लिए वचनबद्ध हुए कि कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम मानेंगे? 24 घंटे नहीं सकुशल बीते, और अलग अलग किस्म के बयानात आ गए। ओबीसी साहब को सुन रहा था, बोले हम अपने आने वाली नस्लों को भी यही बताएंगे। लीजिए, झगड़ा यहीं तक नहीं, नस्लों तक ले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को, जो इतने भारी भरकम फाइल है उसकी, उसका क्या करेंगे? वाणी पर संयम नहीं, देश को उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। इधर भी कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो झांकी थी, ये हो गई और फिल्म अभी बाकी है, अयोध्या झांकी और मथुरा काशी बाकी। सब तरफ से लाठियों में सरसों का तेल पिलाए जाने का पुनीत कार्यक्रम शुरू हो गया 24 घंटे के भीतर। दक्षिण में भी एक कोई मंत्री जी हैं कर्नाटक के शायद, वो भी ऐलान कर दिए कि बाबा विश्वनाथ और
कृष्ण भगवान हम आ रहे हैं, बताइए उनको वहां कहां का नाटक में कर्नाटक का ही मसला देख ले। अजब हाल है भाई, अजब हाल है, मन में खिन्नता पैदा हो जाती है। कोर्ट ने बंटवारा कर दिया, आपकी जमीन अलग उनकी जमीन अलग, वो भव्य मंदिर बनाए आप भव्य मस्जिद बनाओ, फिर लठक लठक क्यों कर रहे हैं? ये तमाशा है, ये तमाशा देश को मंजूर नहीं होना चाहिए। अमीर साबरी के पास मैं सबसे पहले चलूंगा। साबरी साहब, जब कोर्ट का निर्णय आ गया, आपके जमीन आपको दे दी, उनकी जमीन उनको दे दी, दो भाई थे अलग अलग कर दिया, बोले बंटवारा हो गया, अब लट्ठम लट्ठा बंद कर दो, ड्रामा नहीं चलेगा, तब सब दोनों लोग ओबीडियंट की तरह बोले जी सर जी सर, लेकिन मन में था कि गुरु आने दो तारीख फिर असली रंग में आएंगे। वही हुआ, 24 घंटा नहीं बीता, बोले ताउम्र मस्जिद बाबरी मस्जिद रहेगी, बोले सुप्रीम कोर्ट, बोले कोर्ट वोट कुछ नहीं, वो रहेगी, आने वाली नस्लों को भी यही बताएंगे। ये क्या है भाई? साबरी साहब, आपसे प्रश्न है। आवाज आई जी? देखिए अमिताभ जी, फिर आप समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या ओवैसी या शफीकुर रहमान बर्क, ये जितने भी वगैरह वगैरह आदि आदि लोग हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक। देखिए पहली बात तो अमिताभ जी, मैं आज आपसे बहुत विनम्र निवेदन के साथ करूंगा कि आप इस मुद्दे पर बहस होनी ही नहीं चाहिए। हमारे देश में मुद्दों की कमी नहीं है, हमारे देश में बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा जरूरी है, विकास पे बात होनी चाहिए, कानून व्यवस्था बंद कर देना चाहिए। अमिताभ जी, मेरी नजर तो ये कहती है, और आम हिंदुस्तानी आम भारतीय नागरिक का यही सवाल है कि अब इन मुद्दों की बात। एक मिनट बाबू, एक मिनट भाई, आपकी बात सिद्धांत के तौर पर बड़ी अच्छी है और उस फीलिंग की मैं कद्र करता हूं और पैरोकारी भी करता हूं, एडवोकेसी भी करता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल धरातल पर इस बात का कोई मोल नहीं ज्यादा, ठीक है ना? बुरा मत मानिएगा, बड़ी कड़वी बात है, इसका कोई मोल नहीं। दुनिया का इतिहास, भारत नहीं, अयोध्या नहीं, दुनिया का इतिहास, सुनो भाई, जवाब तो सुन लो, मुद्दे हैं देश के, अरे जवाब तो सुन लो, और भी मुद्दे हैं, आप सुनिए, अरे अरे एक मिनट जवाब तो सुन लो, आपने जो बात उठाई उसका जवाब तो सुन लो। आपने चार नाम गिनाए कि इनकी बात पर मत सुनो, दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी बदमजगियां जो दुनिया के इतिहास में हुई हैं, वो 100-200 लोगों के नेतृत्व नहीं कराई, पूरी पब्लिक कभी किसी मुद्दे के लिए लड़ने नहीं गई, चंद नेता इधर से खड़े होते, चंद उधर से खड़े होते और मामला सुलगा देते, 100-200 आदमी मारा जाता है, नेताजी की हवेली और बड़ी हो जाती है, यही तो है, कैसे ध्यान नहीं दू? कवाल का धंधा हुआ मुजफ्फरनगर का, 6 महीना उत्तर प्रदेश जला, मैंने जाके देखा वहां, और एक मौलाना साहब थे, उनको उसी दौरान इनकी सरकार थी दीपक मिश्रा की, वो वांटेड थे कलेक्टर के द्वारा, गैंगस्टर उन पर आयत था, उनके लिए राजकीय विमान आया एक दिन अचानक से मुजफ्फरनगर, कलेक्टर ने उनको सल्यूट मारा, बैठाला, लौट के आए वहां से तो 22 सिक्योरिटी ले आए, 22 प्लस विदेश स्कॉट, पुलिस जो उनको ढूंढ रही थी वो सल्यूट मारने लगी, कैसे नहीं पूछू, कैसे नहीं पूछू, पूछना पड़ेगा ना, बस सैकड़ों आदमी मर गए। इसलिए ये सब मत समझाइए हमको, ये बातें हमने बहुत देखी। दीपक मिश्रा आज हो रहा है, आज भी तो यही हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए जितने अपराधी हैं उन सब पे राज सिक्योरिटी लगी हुई है, इसलिए बात उठानी पड़ेगी अमीर साबरी, है ना, ये इतना जनरलाइज वे में चीजों को नहीं कहा जा सकता, है ना, बात तो उठानी पड़ेगी मुझे, कौन सियासत कर रहा है, कौन दंगे में झोंक रहा है, किसको बाबरी मस्जिद क्यों याद आ रही है, किसको काशी मथुरा आज क्यों याद आ रहा है, ये सवाल उठाना पड़ेगा, देश के मुस्तकबिल से जुड़ा सवाल है। 10,000 फैनेटिक उधर से खड़े हो जाएंगे, 10,000 इधर से खड़े हो जाएंगे, लट्ठम लट्ठ होगा। दीपक मिश्रा जी, इस तर्क की आड़ में हम समाज को नुकसान पहुंचाने वाले, उसके सौहार्द को बिगाड़ने वाले मसलों को और उससे जुड़े चेहरों को कैसे छोड़ दें? कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, यस आई नो, लेकिन ये मसला भी बड़ा है,
आज वो जो ओवैसी साहब है इनके वालिद थे, ठीक है ना, सैयद साहबुद्दीन थे, और भी लोग थे, और इधर से भी तमाम ऐसे ही लोग थे। जी जी। उनके एक बयान पर 5 दिन कर्फ्यू रहता था देश के अलग अलग हिस्सों में, पता है आपको? कैसे छोड़ दूं दीपक मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी, अमीर साहब की विद्वता का मैं भी कायल हूं, आपने बुलाया है तो आप भी हैं, लेकिन मैं इनके इस तर्क से बिल्कुल असहमत हूं। बंद कमरे में इबादत कैसी? सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लिए बहस जरूरी है, और लोकतंत्र में तो बहस नितांत आवश्यक है। यह लोहिया का भी वर्जन है और नेहरू का भी, तो बहस तो होना चाहिए। आपने इस पे बहस आमंत्रित किया, मैं इसके लिए आपके विरक्त को प्रणाम करता हूं। बहस बंद होना यानी कि बुराई के साथ खड़ा होना है। वचने किम दरिंद्र में कहानी है, एक सूक्ति है, मुझे लगता है कि अनर्गल वचने मनोदारिद्रम, यह उनका मानसिक दारिद्र प्रकट होता है। विभाजनकारी ये जो वक्तव्य है, मंदिर और मस्जिद मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद तो हर जगह है, इबादत की जा सकती है, कहीं भी की जा सकती है। मुद्दा क्या है कि इसके पीछे जो इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, इसके पीछे जो एक कहते हैं ना कि अनर्गल रूप से, अतिरंजित रूप से बोलकर लोगों में विभाजनकारी सोच डालकर अपनी राजनीतिक स्वार्थी और संकुचित सियासत को संपुष्ट करने की मानसिकता है। याद करिए मानवर, 1930 में तत्कालीन मुस्लिम लीग ने एक बात छेड़ी थी, मौलाना आजाद जिन्ना से बड़े मुसलमान थे, उस कुरान की उन्होंने तर्जुमा की थी, जिन्ना तो कुरान की 10-20 आयत भी ठीक से नहीं बोल पाते होंगे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे, आजाद देखते ही रह गए, और एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का सांप्रदायिक हो गया। और यही हाल हिंदुओं में भी हुआ, गांधी से गोडसे से कई गुना बड़े हिंदू महात्मा गांधी थे, मगल में अली बंधुओं को बैठा के वो वैष्णोजन तेने कहिए रघुपति राजा राज गवाते थे, लेकिन क्या हुआ? तो आज हमें गांधी और मौलाना आजाद की विरासत को बचाने पे के लिए खुली बहस छेड़नी होगी, और ये जो ओवैसी साहब हैं, ये जो चचा हैं, इनकी सोच पे कुठाराघात करना होगा। और बंद कमरे में इबादत कैसी? पूजा होगी तो घंटा बजा के होगी, चोरी छुपे कुछ नहीं होगा। आप खुली बहस बिल्कुल करिए, और हम तो कहते हैं कि इसमें संगोष्ठियों का भी आयोजन हो, पता तो चले कौन है अमन के कातिल, ये पता तो चले कौन है अमन का दुश्मन, ये पता तो चले। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, दूसरा विभाजन नहीं चाहता, मंदिर मस्जिद का मुद्दा है ही नहीं मान्यवर। जब समाज के विचारवान लोग एक ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि मूंदहु आंख कतहु कछु नाही, तुलसी ने कहा, बोले भाई सर्वधर्म संभाव के लिए चिंतन कर रहे हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसके लिए चिंतन कर रहे हैं। उससे चिंतन से निकला क्या नहीं निकला वो तो बात की बात है, जो लोग वैमनस्यता फैलाने वाले हैं उनको खुला मैदान मिल गया। हमने ऐसे दृश्य बहुत देखे, इसलिए मैं अतिरिक्त सतर्कता बरतता हूं, अतिरिक्त सतर्कता। कवाल में एक मूर्ख दरोगा था जिसकी बेहूदगी ने, बेवकूफी ने दंगे की पृष्ठभूमि तैयार की, और उसके बाद दंगे की पटकथा आ गई दोनों तरफ के बवाली लोगों के हाथ में, और जम के दंगा हो लिया, उनकी आत्मा ठंडी हो गई। और इसलिए भी अमिताभ अग्निहोत्री को बहस करना जरूरी है। मैंने आज तक किसी सांप्रदायिक तनाव में ना इधर वाले किसी बड़े आदमी को चोट लगते देखी, ना उधर वाले किसी बड़े आदमी को चोट लगते देखी। पंडित जी की कोठी भी बड़ी होती गई दंगों के हिसाब से, और मौलाना साहब की कोठी भी बड़ी होती गई, जितने ज्यादा दंगे उतनी बड़ी कोठी, हमको मालूम है। इसलिए हम तो गिरावा में हाथ डालेंगे भाई। चक्रपाणी जी महाराज, एक मसला बड़ा मुश्किल से निपटा, 500 साल लग गए, वो निपट के शांति से लड्डू भी नहीं आदेश खा पाया कि पता लगा कि जी दरवाजे की कुंडी फिर खटकने लगी, बोले आ जाओ अभी लड़ाई बाकी है। नहीं, और केवल आप ही नहीं हो,
एक मौलाना साजिद रशीदी हैं, वो भी 56 गज के, उन्होंने आज कहा कि ठीक है आज मस्जिद बना मंदिर बना लो। मंदिर किसी संगठन के निर्णय से नहीं बन रहा, मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आज जोर जबरदस्ती से बना लो, अल्लाह चाहेगा तो ऐसी तारीख आएगी जल्दी ही जब हम मंदिर गिरा के फिर मस्जिद बनाएंगे, अब कर लो बात। चक्रवाणी जी देखिए अमिताभ जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप जिस तलवार के बल पे मीर बाकी ने हमारे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का रूप दिया था, तब से करीबन 3.5 से 4 लाख हिंदुओं ने अपनी जान दे दी राम मंदिर के लिए, लेकिन हमेशा कानूनी रास्ता अपनाने का प्रयास किया। 1949 से जो लड़ाई लड़ी, संवैधानिक लड़ाई लड़ी और पूरी तरह कानूनी लड़ाई लड़ी, उसमें किसी प्रकार का इस तरह की लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ने का प्रयास किया। हिंदू न लड़े जो असंवैधानिक हो, और नीचे से लेकर के 70 सालों में आकर के ऊपर देश का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के 5 जजों के जजों ने निर्णय दिया और उसके बाद मंदिर के मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रधानमंत्री जाके वहां पे भूमि पूजन करते, उसके बाद जिस प्रकार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ लेटर पैड पे अपने एक लेटर जारी करता है, आप तो मौलाना जी की बात करते हैं, ये अब ये संस्था जहां पे मौलाना का सबसे बड़ी संस्थान है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो बोलता है कि ठीक है अभी तो बना लो, लेकिन सोफिया हागिया सोफिया जो तुर्की का एक पहले चर्च था, बाद में उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर कमाल पासा ने उसको लाइब्रेरी का रूप दिया और बाद में पूरा इस समय अब जो है वो मस्जिद का रूप है, उसकी उदाहरण देते हुए जिस प्रकार से किया वो बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बड़ा ये तो एक तरह से हिंसात्मक माहौल पैदा करने का काम किया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार की युद्ध की स्थिति होगी, और इसी तरह की बयान सांसद जो ओवैसी हैं उन्होंने भी दिया है, तो ये बड़ा ही निंदनीय है। आप ये देखो कि हिंदू, हमने अगर जो काशी और मथुरा की बात की तो लीगल लड़ाई की बात की, आप भी लीगल लड़ाई लड़ते, और ये तो संसद ने तो कानून बना करके राम मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं किया कि आप जो है आने वाले कल में तुम मंदिर हटा करके और कानून बनवा करके फिर मस्जिद बनवा दोगे, ये तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आया है, तो इसलिए सरकार पे भी आरोप आप नहीं लगा सकते। तो इस तरह की जो बयान उल जुलूल बयान दिए जा रहे, जितने आपने साक्ष्य प्रमाण रखने थे आपने सुप्रीम कोर्ट नीचे से लेके ऊपर तक आपने रख दिया, आपका वहां सिद्ध नहीं हुआ, और सिद्ध न होने के कारण भी आप देखिए कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय की महानता कि उसके बावजूद भी आपको एक टुकड़ा जमीन दे दिया, 5 एकड़ जमीन दे दिया जो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको मैंने हारने किसी को नहीं दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी इसमें किसी की हार नहीं हुई बल्कि दोनों की जीत हुई, पूरी देश की जीत हुई। लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदार संस्थान है, जिम्मेदार मौलाना है, जिम्मेदार जो सांसद है जो मुस्लिम है, वो उन लोगों के द्वारा जो विस्मरण किया जा रहा है, ये अकबर मानसिकता का ये है, ये पूरी तरह जिन्ना मानसिकता है। तो जरूरी है कि सरकार की भी दायित्व बनता है कैसे जिन्ना मानसिकता को दबाने की, बहुत जरूरी है, अन्यथा ये तो निश्चित रूप से नासूर हो जाएगा, क्योंकि जब एक सांसद जब संविधान को नहीं मानेगा, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान को नहीं मानेगा, जब मौलाना एक इस तरह की बयान देने वाला नहीं मानेगा, तो फिर आखिर करेगा क्या? तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरनाक विचारधारा है। एक बाबर जो विदेश से आकर के हमारे देश में तोड़ता, उसके उसके नाम के मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक, कितनी दुर्भाग्य। मैं रोकूंगा, मैं फजिल अहमद के साथ पास चलूंगा। फजिल अहमद मुझे बताइए, एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड जजमेंट दे दिया, वो रूल ऑफ लॉ हो गया, रूल ऑफ लैंड हो गया, देश का की व्यवस्था हो गई, उससे ऊपर तो कोई नहीं। उसने कह दिया यहाँ ये बनेगा, इससे इतनी दूरी पर सरकार जमीन देगी, वहाँ वो चीज़ बनेगी, वो बनाए, ये बनाए, ना राजी रहे तो आपस में दुआ सलाम करो, नहीं तो अपने अपने घर में शांति से बैठो, फिर ये तमाशा क्यों? और वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था लिखत पढ़त में ये ऐलान करती है। साजिद रशीदी तो चलो वीडियो बन डाल रहे हैं। अमिताभ जी, ये दूसरी बार शिलान्यास हुआ है, इसके पहले भी लॉकडाउन से पहले शिलान्यास एक बार हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से मजा नहीं आया भारतीय जनता पार्टी को विवाद खड़ा करने में, जो मजा आता है बीजेपी नहीं, माली वो पांच बार शिलान्यास करना, आने दीजिए, क्या तकलीफ है? अभी सुनिए, आने दीजिए ना, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लॉकडाउन फर्स्ट हुआ, हमने कोई बात कही आपको? जब लॉकडाउन से पहले जब जन्मभूमि पे शिलान्यास हुआ तो कुछ बोला कोई? कोई नहीं बोला। ये बात अच्छी नहीं लगी बीजेपी को कि देश शांति से कैसे है, लड़ा दो इनको, क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना का मारी था, इसलिए लोग बोल नहीं पा रहे थे,
इसलिए देश संगठित था, कोई बोला नहीं, ये बात बीजेपी के लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए दोबारा उन्होंने शिलान्यास किया है। अभी एक कई बार शिलान्यास होगा, अभी गलवान घाटी का सब आप लोगों को अभी सुनिए, बोलेंगे जब आप कह रहे हैं एक आज चक्रपाणी जी बोल रहे हैं, चक्रपाणी जी वो गुरु है, आप अपनी मस्जिद की जमीन पर एक मिनट एक मिनट, अरे रुको भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1948 से जो जमीन मंदिर और मस्जिद है उसको यथास्थिति आगे किसी कानून में नहीं पास किया जाएगा। तो जब एक अयोध्या को अलग करके आप शिलान्यास करते ही आप बोल रहे हैं कि हम काशी मथुरा बाकी है, उतना ही नहीं अभी 6000 मस्जिदें और हैं, तो हमें तो सतर्क होना पड़ेगा, हमें तो संघर्ष के लिए अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि काशी मथुरा जब सर कोर्ट ने कह दिया, जिस संविधान की ये बात कर रहे हैं उसी संविधान ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और शपथ दिया था कि हम कुछ भी ढांचे को नुकसान नहीं होने देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेटस को किया था, कहा था कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब आपका संविधान कहां चला गया था कि आपने संविधान को छोड़ करके ढांचा मस्जिद को गिरा दिया, उसको शहीद कर दिया, तब आप संविधान के कितने पुजारी थे संविधान के, आज आपको सुप्रीम कोर्ट जिस जज ने ये श्रीवास्तव के पास कर दिया, इसलिए प्रश्न उठता है कि जिस जज ने ये फैसला दिया उसको महिमा मंडित करके जज को बना दिया गया राज्यसभा मेंबर, बीजेपी ने महिमा मंडित किया, इसलिए सवाल उठता है। ठीक, अब रुक जाओ, अब थोड़ा रुक जाओ, पानी वानी पी लो, है ना। नहीं, मेरी बहस का तरीका है, आप शायद पहली बार आए हैं, पहली बार नहीं, हाँ मेरे साथ पहली बार आए, इसलिए मेरी बहस का प्रोटोकॉल नहीं, इसका अगली बार ध्यान रखिएगा। मसला ये नहीं, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जब एक इशू, तो उस पर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे कह सकता है कि आज कर लो कल मैं तस्वीर बदल दूंगा। मसला ये है महत्वपूर्ण। दूसरा, मैंने 4 दिन पहले भी कहा था, कुछ मुस्लिम नेता मेरे साथ थे इसी मंच पर, मैंने कहा था ये 100 किलो लड्डू बांटे, आप 1000 किलो बांटो, क्या दिक्कत है अपने यहां, कोई समस्या है? ये 5 बार मान लीजिए फंक्शन करें, आप 50 बार करो, मेरा लड़का बच्चा जितनी बार जन्मदिन मनाऊ, पड़ोसी के पेट में क्या दर्द है, आप भी बनाओ। मतलब मस्जिद तोड़ते रहिए और हम आपका अरे आप समझ नहीं पाए, आप बात नहीं समझ, आप मेरी मस्जिद तोड़ते रहिए, बात नहीं समझ, और हम आपको लड्डू खिलाते रहिए, यही चाहते हैं आप, हमको आप यही चाहते हैं कि आप मस्जिद तोड़ते रहिए, हम आपको लड्डू खिलाते रहे, अभी एक मस्जिद भी बता रहे, संविधान के साथ, संविधान के साथ आपका ये वाल्मीकि रामायण है, भगवान राम के बारे में क्या बताता है, सुन लीजिए आप, गुरु हैं शायद आपको जानकारी होगी। देखिए अमिताभ जी कह रहे हैं उत्तरकांड में कि भगवान राम ये योजना दूर जाकर के, आप जानते हैं माफी मांगने के लिए कितना रामायण पढ़ा, हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए, हिंदुओं से नहीं, आपको हिंदुस्तानियों से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं दोनों आवाज बंद करिए, दोनों की आवाज बंद करिए, फजल अहमद की भी, चटपाणी जी की भी, दोनों की आवाज बंद करिए बिल्कुल, नहीं फजल अहमद आपकी आवाज अभी नहीं जाएगी बाहर, ठीक है ना, इसलिए अभी थोड़ा धैर्य रखिए। मेरी बहस ऐसे नहीं हो सकती, जो लोग मेरे से परिचित हैं वो इस बात को जानते हैं, दूसरे मंचों पर ये सब हो सकता हो, चिल्ला चोट यहां नहीं हो सकती, माफी चाहता हूं, कतई नहीं हो सकती, कतई मंजूर नहीं मुझे, इस बात का ध्यान रखें सब लोग। हरीश जी, मसला ये है, मैं समझ नहीं पाया, दो भाई थे नहीं बनी, एक ने एक मोहल्ले में मकान, एक को मिल गया, दूसरे को दूसरे मोहल्ले में मिल गया, अब वो अपने घर में रोज फंक्शन करे तो दूसरे को तकलीफ क्या, और दूसरा रोज करे तो पहले को तकलीफ क्या, बहुत सीधी सरल बात है सामाजिक, दिल मिले तो बुला लो, नहीं मिले तो अपना अपना फंक्शन करो, खुद लड्डू बांटो अपने परिवार के लोगों में, अपने मित्रों में, क्या समस्या है, और कितनी भी बार बांटो, प्रसन्नता का कोई टाइम टेबल तो होता नहीं कि इतनी बार बांटेंगे, लड्डू बांटो, पंजीरी बांटो, बताशा बांटो, झूम मनाए सो करो, ये रामायण का पाठ कराएं, आप कुरान का पाठ कराओ, क्या समस्या है उसमें, लट्ठम लट्ठा क्यों हरीश जी? जी बिल्कुल नहीं, देखिए अमिताभ जी, एक वर्ग ऐसा है कि जो बिल्कुल सच को स्वीकार नहीं करना चाहता। अब फजील अहमद साहब अभी आपके जो पैनल में हैं, उनकी पूरी जो वक्तता है जी, वो
उसका निर्धारण आप बखूबी समझ जी। मुगलों के समय में इस देश में कितने मंदिरों को तोड़ा, इसका इतिहास साक्षी है। गवाह आज ये कह रहे हैं साहब हमारी मस्जिदों को तोड़ते जाए, ये मस्जिद इनके या यहाँ जो लोग रह रहे हैं कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे पुरखों ने बनाई थी। एक आताई बाहर से आया, उसकी सेना ने विध्वंस किया, लूटपाट के ले गई, वो इनका पुरखा हो गया। आज आज माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने को तैयार नहीं है, तो यह एक बड़ी विद्रूप स्थिति। और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के जो अमन पसंद लोग हैं उनको ये चाहिए कि इस तरह की जो इस तरह की आवाज है उसकी पूरी मजम्मत करें। और जो कानून का राज्य कहता है, जो कानून कहता है, जो न्यायालय कहता है, जो संविधान कहता है, उसका अनुपालन पूरी दृढ़ता के साथ अगर लोग करेंगे तो मुल्क में अमन अमान रहेगा। जो इस तरह की भावना है, जिस तरह को ओवैसी साहब बोल रहे हैं या जिस तरह से कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया, अलाहाबाद में मैंने सुना कि उसको शायद डिलीट किया था उन्होंने, या जैसे फजील अहमद साहब बोल रहे हैं, ये भावनाएं तो निश्चित रूप से ये संविधान के का भी द्रोह है, न्यायालय के साथ भी द्रोह है और राष्ट्र के साथ भी। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक प्रश्न दीपक मिश्रा से लेना चाहूंगा, फिर ब्रेक पर जाऊंगा, हालांकि ब्रेक का समय हो रहा है। दीपक मिश्रा, बड़ा सामान्य सा प्रश्न उठता है, एक इशू पर व्यापक बहस के बाद कई लाख दस्तावेजी पन्नों को देखने के बाद अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक निर्णय दिया कि उस निर्णय के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों से ऐलान, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आता? ये मसला कंटेम्प्ट ऑफ बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है, बजरंग दल नहीं है। अगर कोर्ट ने एक सेटलमेंट, एक निर्णय दिया अपने स्तर से और उसके बाद कहा जाए कि आज कर लो कल हम मिटा देंगे, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जाएगा? लोक जीवन जीते हुए जहां तक विधायक प्रश्नों से दो चार हुआ हूं, उस अनुभव और थोड़े बहुत अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सुओ मोटो लेते हुए जो भी इस फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, और नहीं तो हरीश जी की पार्टी, मोदी जी की पार्टी, योगी जी की पार्टी जो सरकार में है और जिस आयोजन में ये दोनों स्वयं मौजूद थे, गवर्नर मौजूद था, गवर्नर तो खैर संवैधानिक पद पर है ना, इस कार्यक्रम के खिलाफ, इसके फैसले के खिलाफ जो भी बयान दे उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए सलाखों के पीछे भेजे। सवाल ये है कि आप बुराई को कब कुचलेंगे? राजदंड आपके हाथ में से थोड़ी दिया जाता है कि जो अच्छा हो उसको और अच्छा करो, राजदंड ये भी दिया जाता है कि जो बुरा हो उसके प्रति दंड का प्रयोग करें, वरना ये सवाल खड़ा हुआ। बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात सांप्रदायिकता की है, बात संकुचन की है, बात भारत माँ के आंचल को दो भागों में हारने की है। सवाल ये क्या, ये तो एक लोग हिंदू बन के चले जाएंगे, एक लोग मुसलमान बनकर चले जाएंगे, लेकिन जो इंसान है वो कहाँ जाएगा? गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर क्यों जले? ठीक बात दीपक मिश्रा जी, एक ब्रेक लेंगे, बाबर के सामने तो ब्रेक के बाद आते हैं, तो इस बात पर भी जरा बात करेंगे कि अदालत के निर्णय के बाद, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसी तस्वीर मैंने तब भी देखी थी जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे और शाहवानों का मसला आया था। ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा जियाउर रहमान अंसारी ने लोकसभा में बाहैसियत मंत्री खड़े होकर भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या कहा था, मैं बताऊंगा। तो चर्चा इस बात पर कि आखिर क्यों कोर्ट के फैसले के बाद भी मस्जिद मस्जिद हो रही है और ये कब तक चलता रहेगा। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहे, प्लीज सर। देखिए मैं तो एक ही विनती करूंगा, राजनीतिक दलों में खोट हो सकती है, वो संप्रदाय के आधार पर, मजहब के आधार पर वोटों का गणित लगा सकते हैं, जातियों के आधार पर, कोर्ट को तो चुनाव लड़ना नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये विनती करूंगा
क्योंकि सरकारें ये कर भी नहीं सकती, करेंगी तो उनका अच्छा भी निर्णय होगा तो उसमें पक्षपात का आरोप सहजता से चिपक जाएगा कि इस मामले में सुओ मोटो कॉन्ग्रीजेंस ने 100 साल की अदालती लड़ाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ कैसे ड्रामा हो सकता है। और ऐसे ड्रामों की सजा देश ने बहुत भारी भुगती है, जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था उसको बताता हूं, नए लोगों को याद नहीं होगा। शाहवानों पर फैसला आ गया, राजीव गांधी ने कहा हम इस फैसले के साथ खड़े होंगे, बड़ी अच्छी बात। पार्लियामेंट में पहले दिन सरकार ने यह रुख लिया कि हम फैसले के साथ हैं। रात में एक मीटिंग हुई, मैं उस विवेचन में नहीं जाऊंगा कौन कौन लोग प्रधानमंत्री से मिले थे रात में। अगले दिन राजीव गांधी आए और अपने ऑफिस में पार्लियामेंट के, और उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान को बोलना था, उन्होंने कहा आरिफ जी अब मैंने निर्णय लिया है, मैं इस फैसले के, सरकार इस फैसले के खिलाफ खड़ी होगी। सन्नाटा छा गया, रात भर में क्या हो गया, उसका परिणति क्या थी, आरिफ खान को इस्तीफा देना पड़ा। जियाउर रहमान अंसारी साहब एक बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के, इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा पहचानी थी कि यही आदमी है जो ध्रुवीकरण कर सकता है। रफी अहमद किदवई और मोहसिना किदवई में तासीर नहीं ध्रुवीकरण करने की, इंदिरा जी जान गई थी कि बवाल यही क्रिएट करवा सकता है जमीन पर जियाउर रहमान। रफी अहमद किदवई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकते हैं, योग्य प्रशासक हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे जो चाहिए था कांग्रेस को। जियाउर रहमान खड़े हुए हरीश जी, और जियाउर रहमान अंसारी ने कोर्ट में कहा एक चीज में सेंसर करूंगा, क्योंकि वो फिर कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, पता लगे बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन लोग समझ जाएंगे। उन्होंने कहा राजीव जी सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं ना वो डैश 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 की तरह हैं, उनसे कुरान का तर्जुमा कराइएगा तो यही नतीजे आएंगे। बताइए देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश की सबसे बड़ी अदालत के न्यायाधीशों के लिए इतना गंदा वक्तव्य मैंने कभी सुना नहीं, वो भी एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा। हंगामा हुआ, उसको स्पंज किया गया। दिल्ली की सड़कों पर, भोपाल में, अलीगढ़ में, रामपुर में, भागलपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों के पुतले फूंक दिए। क्या उस ओर जाना चाहते हैं देश को लेके? नहीं, ये मंजूर नहीं। सरकारें जो दीपक जी कह रहे क्या कर पाएंगी मुझे पता नहीं, लेकिन कोर्ट को खुद करना चाहिए। अमीर साबरी, सरकारों से विरोध हो सकता है, सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो सकता है, अदालतों से विरोध और अदालतों के खिलाफ आंदोलन नहीं होते, उनके खिलाफ बदजुबानी भी नहीं होती, ठीक बात है ना? साबरी साहब आवाज कहां से, हम आप सुन ही नहीं पाते, अदालत का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, आवाज आई, आवाज आई, अरे भाई, अरे आई आवाज आई है भाई, ऐसा है अमिताभ जी सवाल सुन लिए कि नहीं भैया? हेलो, अरे सवाल, हाँ सुन लिया, सवाल सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, अब बताइए। देखिए ऐसा है अमिताभ जी, अच्छा दोबारा सुना दे, मैंने कहा सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, जेल भरो आंदोलन होता है, लाठी मारना और लाठी खाना होता है, अदालतों के खिलाफ ना आंदोलन होता है, ना धरना होता है, ना गाली गलौज होती है, ठीक कहा ना कि इसमें कोई गड़बड़ी है? जी अब सुनेंगे आप, हाँ इसीलिए सवाल पूछा। पहली बात तो आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके बाद आपने भी एक सवाल करा, एक सवाल करा और सवाल, हाँ मैं सुन लीजिए, सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आपने कहा 500 साल से विवाद चल रहा था जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। पहली बात तो मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूं। 1885-1886 के फैसले आप पढ़ लीजिए अमिताभ जी, 1885 में एडिशनल जज ने लिखा था, जबकि मस्जिद का दूर दूर तक कोई मामला नहीं था, विवाद था राम चबूतरे का और मस्जिद से काफी दूर पर चबूतरा था, और एडिशनल जज ने कहा कि चूंकि राम चबूतरे की बाउंड्री की इजाजत अदालत ने नहीं दी थी, इस बात को लेकर के हिंदू मुस्लिम आपसी ताल्लुकात खराब होंगे, विवाद पैदा होगा,
और इसी फैसले को 1886 में रघुवर दास की उस पर डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसले को बरकरार रखा। अरे 500 साल का तो मामला दूर दूर तक नहीं था अमिताभ जी। 1949 के जब नेहरू जी के टाइम में मूर्तियां रखवाई गई तब से ये विवाद शुरू हुआ अमिताभ जी। दूसरी बात, अभी हरीश जी कह रहे थे बाबर के लिए, बाबर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, बाबर को आपने बाकायदा दावत दे के बुलाया था, आपके पूर्वजों ने बुलाया था, राजा सांगा ने बुलाया था, बाबर अपने आप फजल अहमद, सवाल वही, सरकारों के विरोध में सड़कों पर उतरना लोकतंत्र है? उनके खिलाफ आवाज उठाना उनके फैसलों के खिलाफ लोकतंत्र के दायरे के भीतर है, लेकिन अदालतों को हमने इससे बड़ा दर्जा दिया, इसीलिए कहा यह पंच परमेश्वर है। ठीक, इनकी आवाज अल्लाह की आवाज, निर्णय आ गया तो या तो उसके विरुद्ध अपील में जाए, और जब अपील वाला भी निर्णय आ जाए तो सिर झुका के सुनने के अलावा कोई दूसरा काम देश में नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे मसला मस्जिद को चाहे मंदिर का हो। इस बात से सहमत है कि नहीं? अब मैं दूं अपनी बात। जी हाँ, इसीलिए सवाल किया यार। अमेरिका में एक गोरा जज था, एक गोरे आदमी ने काले आदमी को एक्सीडेंट में मार डाला। उसका फैसला काले के पक्ष में जाना चाहिए था, लेकिन गोरे जज ने गोरे के पक्ष में दे दिया। वहां के कालों ने मिल करके उस जज का घर जला दिया। अच्छा, ये कहां का न्याय है? ये जब इंसान सर से पानी उठ जाता है, जब अन्याय हमारा गला घोटने लगेगा, मेरी बात सुनिए, जब अन्याय हमारा गला घोटने लगेगा तो ऐसे जज के खिलाफ और ऐसी अदालत के खिलाफ भी आवाज उठाना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? कोई सुप्रीम कोर्ट अगर अन्याय से मेरा गला घोटेगा तो हमें अधिकार है, एक इंसान होने के नाते दुनिया की हर अदालत हर कानून हमको अधिकार देता है कि हम अपनी आवाज उठाएं। अपील नहीं सुनोगे, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल है। जो बात मैं कह रहा हूं क्यूरेटिव पिटीशन में लिखी गई है, अदालत के इजलास पर खड़ा होकर के भी मैं यही बात कहूंगा जो यहां कह रहा हूं। जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, अन्याय हुआ है, इसकी अपील आपने खारिज कर दी, सुनने को तैयार नहीं है आप, मानने को तैयार नहीं है, और जिस जज ने हमारे खिलाफ फैसला दिया आपने महिमा मंडित करके उसको राज्यसभा मेंबर में, इसका क्या मतलब है भाई बता दीजिए? ठीक है, अब कैसा न्याय? आगे बात, कहां का न्याय? ये कैसा न्याय है भाई? कैसी अदालत है देश की जो इंसाफ नहीं कर सकती? अगर इंसाफ नहीं कर सकती है तो सरकार को अदालत के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें कैसी अदालत बनानी चाहिए। ठीक, और जो सुप्रीम कोर्ट की आवाज अभी रोकी भाई, आगे आगे आगे, मुझे मेरे पास समय नहीं भाई। हमको एक हिस्सा जमीन दी थी, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमको एक हिस्सा जमीन थी, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को न्याय करना नहीं था? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई साक्ष्य नहीं देखा होगा? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां 30 साल मुकदमा चला वहां पे कोई कानून की धारा नहीं लागू होती? यदि हमारा अधिकार नहीं था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हमको एक हिस्सा जमीन क्यों देता? ठीक है, अगर एक हिस्सा रुकना होगा भाई, क्या आवाज रोकी है? फजील अहमद की, ठीक है, अभी रुकिए आवाज यार, आप थोड़ा गियर कंट्रोल में रखो। ना 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 ना, इतना समय नहीं मेरे पास, ना ना पूरी इतना समय नहीं, माफ करिए भाई, इतना समय नहीं। चक्रपाणी जी महाराज, एक बात जो फजील अहमद ने की उस पर मैं कह दूं, डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला अनुपयोगी हो जाता है हाईकोर्ट के फैसले के बाद, और हाईकोर्ट का फैसला निष्प्रयोज्य हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अगर हत्या का मामला हो, फांसी का मामला हो हत्या में, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रयोज्य हो जाता है, निष्फल हो जाता है राष्ट्रपति के फैसले के बाद। इसलिए ये बात तथ्य ध्यान में रखिए, तब बात करिए, ठीक है। लेकिन एक बहुत खतरनाक बात फजील ने कही, उन्होंने जो उदाहरण दिया कि गोरे ने गोरे के पक्ष में फैसला दे दिया तो जज का घर जला दिया, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत को खतरे में डालने वाली बात है। ठीक है, रुक जाए, रुको भाई, और फिर बहस मत शुरू करो यार, रुको। चक्रपाणी जी महाराज, मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे, आसमान में बादल काले दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कहां जा रहा है? मैं देख रहा हूं अमिताभ जी, और पूरा पूरा देश देख रहा है, और सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन मुगल काल में हजारों मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, आज संवैधानिक रूप से एक उस मस्जिद को हम अपना अधिकार ले रहे हैं, तो इतनी पेट में दर्द हो रही है। और सबसे बड़ी बात अमिताभ जी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत है,
कि सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें पार्टी था, उस सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो उसको स्वीकार कर लिया उस निर्णय को, लेकिन पेट में दर्द किसके हो रहा है, तो पेट में दर्द वैसी को हो रहा है, पेट में दर्द किसी और कट्टरपंथी मौलाना को हो रहा है। अरे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जब उस निर्णय को स्वीकार कर लिया वो पक्षकार था। आप देखो मेरे पास ओरिजिनल ऑर्डर है जो आदेश है, उसमें हिंदू पक्षकार जो थे उन्होंने स्वीकार किया, जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अरे भाई आप कौन हो? तो ऐसे लोग जो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, इनको देश निकाला करने की आवश्यकता है अमिताभ जी, सिर्फ जेल में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग जो संविधान को धत्ता बता रहे हैं, जो न्यायपालिका को धत्ता बता रहे हैं, इनकी तुरंत नागरिकता खत्म करके इनको देश से बाहर छेड़ना चाहिए, इनको देश से बाहर धक्के मारने की आवश्यकता है निश्चित, नहीं तो आने वाला कल निश्चित रूप से और ज्यादा सरकार के घमंड में रहो, सरकार के पावर पे बोल रहे हो। नहीं, सरकार की भाषा बोल रहे हो। चक्रपाणी जी हम आपको जानते हैं, 2014 से पहले आप मजारों में घूम रहे थे, बड़े बड़ी खानकाहों में जा रहे थे, कांग्रेस के टिकट के लिए आप नाक रगड़ रहे थे, आज अपने स्वार्थ के लिए आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। एक आखिरी सवाल हरीशन श्रीवास्तव से लूंगा। हरीश समय पूरा नहीं, महाराज महाराज समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, राष्ट्रद्रोहियों का समय पूरा हो गया। फसील बड़े बड़े खान भाई अपने चक्कर लगा रहे थे, भूल गए 2014 से पहले कांग्रेस का टिकट चाहते थे आप, बड़ी बड़ी मजारे आपको अच्छी लगती थी, फिर आएगा समय फिर आप आओगे खान का में, फिर मजारों को नहीं पकड़ोगे आप। ठीक है, मैं दोनों करूँ। हरीश जी विधान विरोधी जो चक्रपाणी जी रुकिए, आवाज अभी बंद नहीं जा रही आपकी, काय को अनावश्यक श्रम करेंगे। हरीश जी छोटी सी टिप्पणी लूंगा, अदालतों को लेके जिस ढंग की प्रतिक्रिया आई, और वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत को लेके, वो भारत के अच्छे भविष्य की ओर संकेत नहीं करती। अगर हम अदालत का फैसला भी सिर झुकाकर मानने को तैयार नहीं, तो हम मुल्क में किसको मानेंगे? निश्चित रूप से तब तो सरकार को दखल देना होगा, चाहे अमिताभ चौधरी अदालत की हुक्म उदूली करें, चाहे हरीश श्रीवास्तव करें, चाहे अमीर साबरी करें। निश्चित रूप से ये जो सोच है, जो फजील अहमद जैसे लोगों की जो सोच है, ये बहुत खतरनाक सोच है। ये अपने को स्वयं प्रभु मानते हैं, नहीं ये अदालत को मानते हैं, नहीं कानून को मानते हैं, देश को मानते हैं। फजील अब आवाज नहीं जाएगी, अब आवाज नहीं जाएगी। आपने अपनी बारी पर बोलिए, आगे से आप जब आएंगे तो आप व्यवस्थित हो जाएंगे मेरी बहस में जी। फजील अहमद जैसे लोगों को, पूरे देश को चाहिए, पूरा देश ऐसे तत्वों को पूरी तरह से नकार है, इनकी पूरी मजम्मत करे। ऐसी सोच देश के लिए, देश को खंडित करने वाली है, देश के खिलाफ है, राष्ट्रद्रोही सोच है ये, और इसकी जितनी मजम्मत हो वो कम है। सभी जो राष्ट्र प्रेमी है, जो देशभक्त है, ऐसे लोगों को, ऐसे तथ्यों को। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा, अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए, प्लीज सर। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, विज्ञान भवन में वार्ता चली चंद्रशेखर की मीडिएशन में, चंद्रशेखर जी ने दोनों को जमा किया, इधर वालों को भी उधर वालों को भी, तीन राउंड वार्ता हुई। तीसरे राउंड में एक ऐसी बदतमीजी की बात वहां आ गई कि कागज वागज एक दूसरे के मुंह पे फेंक के सब लोग बाहर निकल आए थे, वो बात भी बहुत बदतमीजी की थी, उस बात को मैं उद्धृत नहीं करूंगा, कटुता बढ़ती है। उस समय जब मैं एक पत्रकार के नाते मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों तरफ के बड़े लोगों से बात करता था, तो मुझसे मुस्लिम पक्ष के, उस समय अब तो बहुत सारे लोग उसमें हैं भी नहीं इस दुनिया में, वो लोग कहते थे कि अमिताभ जी इनसे हम कहलवा दो कि हाँ अदालत की बात मानेंगे, ये नहीं मानेंगे हम तो, मान जहां बताओ वहां दस्तखत करके दे दे कि जो अदालत कहेगी वही सिरमा थे। आज जो लोग लड़ रहे हैं उनके पूर्वजों की बात बता रहा हूं, 35 साल पहले की है ना, वो कहते थे हम स्टाम्प पर लिख के देने को तैयार हैं। फैसला आ गया तो हाय हाय, कोर्ट की भी हाय हाय करोगे, भाजपा आपकी हाय हाय करे, आप भाजपा की करो, समझ में आता है, राजनीतिक प्रद्वंदता समझ में आती है, ये रास्ता ठीक नहीं।
यह अदालत की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, यह रूल ऑफ लॉ को नकारने का काम है। हम वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वो निर्णय मानेंगे जो हमारे लिए अच्छी सूट करेगा, जो नहीं सूट करेगा वो नहीं मानेंगे। कहीं अदालत अच्छी है और कहीं खराब है, ये दो तरह की चीजें नहीं चल सकती। देश को चिंतन करना पड़ेगा, कौन मंदिर बने कौन मस्जिद बने, अब वो छोटा सवाल हो गया मेरी दृष्टि में। मेरी दृष्टि में बड़ा सवाल ये है कि देश में न्याय के मंदिर की सर्वोच्चता रहेगी या नहीं, या ये कहने तक की हिमाकत हो जाएगी कि एक कहानी बताई दे रहा हूं, फला देश में गोरे ने काले को मारा, काले के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो कालों ने मिलकर जज का घर फूंक दिया, इसका क्या अर्थ है? ये भारत की न्याय प्रणाली को धमकाने का काम होगा क्या इस देश में? इसको मंजूर करेगा क्या देश? नहीं नहीं नहीं। मैं सरकारों से भी कहूंगा, मंदिर बने मस्जिद बने अलग का विषय है, कोर्ट ने व्यवस्था दे दी, लेकिन इस ढंग से जो लोग लानत मलानत करने का काम कर रहे हैं, बीज बीज बोने का काम कर रहे हैं, ठीक कह रहे थे दीपक मिश्रा, ये सरकारों की भी जिम्मेदारी है। कानून के पास अपनी एजेंसी नहीं होती इन्फोर्समेंट की, इन्फोर्समेंट की एजेंसी गवर्नमेंट होती है। अरे सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अदालत का मान जिंदा रहे, अदालत का मस्तक ऊंचा रहे, कोई भी अदालत के ऊपर यूं थूक करना चला जाए, पत्थर फेंक करना चला जाए, ये जिम्मेदारी सरकारों की है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसके अनुपालन में बन रहा है, और ठीक कहा चक्रपाणी जी ने। मैंने आज सुबह शफीकुर रहमान भट्ट से पूछा कि आपका उस ट्रस्ट से कोई लेना देना है जो मस्जिद के लिए बना, बोले नहीं। मैंने सुन्नी वक्फ बोर्ड से, बोले नहीं। मैंने फिर आप काहे को तकलीफ उठा रहे हो बुढ़ापे में, आप घर में बैठो आराम से, आप क्यों बीच में पंगा फंसाए हुए हो भाई, जब आप कह रहे हो मेरा किसी से लेना देना नहीं, वो दूसरे लोग हैं। जितनी पार्टियां थी जिन्होंने मुकदमा लड़ा इतने लंबे समय तक, निर्मोही अखाड़ा हो, हिंदू महासभा हो, रामलला विराजमान हो, सुन्नी वक्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, यही लोग थे ना जी, इन्होंने किसी ने एतराज नहीं जताया, बोले हम कौन, बोले हम खामोखा, हम झंडा लेके चलेंगे और क्रांति करेंगे। नहीं, ये गुस्सा कभी दूसरे सामाजिक मसलों के खिलाफ उठाते तो अच्छा लगता, नशे के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, जो बात शुरू में साबरी साहब बताने की कोशिश कर रहे थे, तो अच्छा लगता कि हमारे अंदर इतना जज्बा है देश को महान बनाने का, हम अदालत फूकने की बात करेंगे। मैं बताई दे रहा हूं चिंगारी का खेल बुरा होता है। अभी जागिए हरीश बाबू, अभी नहीं जागे तो लक्षण ठीक नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अदालत फैसला दे सकती है, उस फैसले का मान रहे धरती पर, ये जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर होती है, और फैसले में ये लिखा भी जाता है कि इस फैसले की प्रति भेजी जाए सरकार को, सरकार इसका क्रियान्वयन कराए, और क्रियान्वयन करा के क्रियान्वयन रिपोर्ट, जिसको कंप्लाइंस रिपोर्ट कहते हैं, वो कोर्ट में सबमिट करे। इसलिए मसला सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को गाली देने वालों के बीच में नहीं है जी, सरकार बीच में खड़ी है और उसको खड़ा होना ही चाहिए, खड़ा रहना ही चाहिए, खड़ा दिखना भी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी, दीपक मिश्रा जी, अमित साबरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फजल अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वामी चक्रपाणि महाराज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार टीवी पर मंदिर मस्जिद की बहस होती रही, डिबेट इस पर होती रही, हम करते रहे, आप देखते रहे, लेकिन राम मंदिर की आधारशिला पढ़ने के बाद ये उम्मीद जगी कि शायद अब इस तरह की चर्चा नहीं होगी, उस पर विराम लगेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और दिखाई दे रहा है, कुछ बयानवीर निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके बयानों से बवाल हो रहा है। महापंचायत में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।